हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एंटमैन एंड वास्प क्वांटमेनिया के बारे में कि कैसे वो कैंग डायनेस्टी से कनेक्ट होगी, साथ ही कुछ ऐसे डिटेल्स के बारे में जो कि हमारे पिछले 3 ब्रेकडाउन वीडियोस में रह गए थे। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पोस्ट में ही ये चीज बता दी थी कि मार्वल वाले VFX में थोड़ी सी ढिलाई कर रहे हैं, जिसका शॉट हमें ट्रेलर में देखने को मिल गया है, जहां पर एक ही शॉट को हम 2 एंगल से देखते हैं, जहां पे एंटमैन अलग हो रहा होता है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे स्कॉट के एक्सप्रेशन के ऊपर से उतने ठीक से काम नहीं किया गया है, इसीलिए ये थोड़ा सा अजीब लगता है। अंटिल एंड अनलेस आप इस चीज को बार बार देखो और थोड़ा सा ध्यान देखिए, जब तक आप इसको बिल्कुल भी हाई क्वालिटी में नहीं देखते, तब तक ये नजर में भी नहीं आता कि ये कोई मिस्टेक है। हालांकि मूवी आई नहीं है तो हम कह नहीं सकते कि ये मिस्टेक है, क्योंकि हो सकता है कि मूवी में ये लोग इसको अच्छे से इम्प्रोवाइज कर दे। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेलर में लिखा हुआ आता है विटनेस द न्यू डायनेस्टी, मतलब कि एक नई शुरुआत की। जिस तरह थानोस ने थॉर एंड हल्क को धूल चटाकर ऐलान किया था कि वो आ चुका है, उसी तरह कैंग MCU के अंदर एंटमैन को टपका के या फिर अच्छे से कूट के डेब्यू करने वाला है MCU के अंदर। आपको याद होगा कि स्कॉट एंडगेम मूवी के अंदर कहता है कि क्वांटम रियल में जो 5 घंटे उसने बिताए थे, उसमें अर्थ के 5 साल गुजर गए। सो अगर यूनिटरी मेथड को लगाओ तो उस हिसाब से क्वांटम रियल का 1 घंटा बराबर है अर्थ के 1 साल। एंड गेस व्हाट, एंटमैन एंड वास्प क्वांटमेनिया 2 घंटे 5 मिनट की मूवी है, जो कि सबसे लंबी एंटमैन मूवी है, जो कि इस मूवी को सबसे लंबा एंटमैन मूवी बनाता है। ट्रेलर से यह बात साफ है कि मेजॉरिटी हिस्सा हमें क्वांटम रियल में ही देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर, तो हो सकता है कि क्वांटम रियल में बिताए गए 2 घंटे इस पूरे फैमिली के साथ और इस एडवेंचर में 2 साल गुजर जाएं। एंड अभी से 2 साल बाद कैंग डायनेस्टी आने वाला है, मतलब कि जब कैंग इस मूवी में कांड करके बाहर आएगा, तब तक फेज 5 की सारी मूवी खत्म हो चुके होंगे एंड कैंग डायनेस्टी शुरू हो रहा होगा। इसीलिए ट्रेलर में हमें पहले ही यह चीज बता दिया गया, अ बिगनिंग ऑफ न्यू डायनेस्टी। और इतिहास गवाह है कि एंटमैन के एंड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट हमेशा आने वाले किसी बिग इवेंट को टीज करते हैं, जैसे कि एंटमैन 1 हमें सिविल वॉर को टीज किया था, वहीं पे एंटमैन 2 वो कनेक्ट किया था डायरेक्टली इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग से, मतलब कि वो स्नैप वाले चीज से। एंड मैं श्योर हूं कि ये कैंग ही मेन विलन होने वाला है MCU का, और ये कोई वेरिएंट नहीं, क्योंकि आप यूं ही किसी कैरेक्टर को दिखाकर बाद में ये नहीं बोल सकते कि ये इसका वेरिएंट था। एंटमैन एंड वास्प क्वांटमेनिया में हमें कैंग के मोटिव्स के बारे में अच्छे से पता चलेगा, जो कि सिर्फ टाइमलाइन में राज करना नहीं बल्कि और भी कुछ होगा, जिससे बाकी कैंग के वेरिएंट्स अग्री नहीं करते हैं और इसीलिए वो उसका अगेंस्ट खड़े हैं। एंड अगर गलती से ये वाला कैंग कॉमिक्स के जैसा दिलजला आशिक निकल गया, तो भाई जिस तरह मार्वल फैंस थानोस के सपोर्ट में आ गए थे जब उनको थानोस का मोटिव पता चला था, तो हो सकता है कि पूरी आशिकों की फौज कैंग के सपोर्ट में आ जाए। खैर, एक और रीजन जिसके वजह से मुझे लगता है कि ये मल्टीवर्स सागा का बिग बैड वाला कैंग है, क्योंकि इसने कई जंग लड़े हैं एंड ये खुद को बेहतर बनाने के चक्कर में टोनी के जैसे ही एक्सपेरिमेंट करता है। जिस तरह टोनी ने माइक्रोचिप्स डाले थे अपने बॉडी के अंदर ताकि वो मार्क 42 एंड कई सारे आर्मर्स को इशारा करके बुला सके, कैंग ने भी खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके खुद को एनहांस किया है। और इस बात का पता हमें इससे चलता है कि जिसको हम सब कोई एक स्कार या फिर कई निशान समझ रहे थे, जो कि उसको जंग से मिला हुआ, वो असल में इम्प्लांट्स के निशान हैं, जो कि सर्जरी करने के बाद से रह जाते हैं। एज आप देख सकते हैं कि इस सीन के अंदर जब कैंग अपने हाथों से एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, तो ये निशान भी ग्लो करते हैं। ये निशान ग्लो नहीं करने चाहिए थे अगर ये निशान उसको किसी जंग से लगे होंगे, मतलब कि ये जो निशान आप देख रहे हो वो किसी जंग से नहीं, बल्कि उसने वहां पे कोई चीज को फिट किया है, जिसके वजह से उसके अंदर ही ये एनर्जी फ्लो कर रही है। और इससे ये बात भी समझ में आता है कि क्यों मास्क हटने के बाद भी यहां पर कैंग की आंखें ब्लू कलर का ग्लो कर रही थी, क्योंकि उसने उन्हें भी एनहांस कर रखा है। इसके अलावा मैंने एक चीज और नोटिस की कि यहां पर जब कैंग अपने हाथ से ब्लास्ट छोड़ रहा होता है, तो वो किंगो के जैसा हैंड जेस्चर बनाता है। और तो और उसके हाथ से जो एनर्जी ब्लास्ट निकल रहे हैं, वो बस ऐसे कैजुअल एनर्जी ब्लास्ट नहीं है, उसको आप कमाला के उस ब्रेसलेट के जैसा भी काम करते हुए देख सकते हैं, जिसके मदद से वो कंस्ट्रक्ट बनाती थी। अंतर यहां पर है कि यहां पर वो उसको ऐसे यूज कर रहा है जैसे कि वो बस रिपल्सर के जैसा हो, और यहां पे वो विप के जैसा यूज करके यहां पर एंटमैन को उस पोर्टल से
जाने से रोक रहा है। हाल ही में कैंग द कॉन्करर के टाइम ट्रेवलिंग वाली कुर्सी का भी फोटो दिखाया गया है, जिसको देखकर समझ में आता है कि कैंग की कुर्सी तो उसके पास शुरू से ही है, एज पहले ट्रेलर में हमने इसे यहाँ पर देख लिया था। सो जो सामान कैंग को चाहिए वो कुछ और नहीं बल्कि फॉरएवर क्रिस्टल हो सकता है, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में अच्छे से बात किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनको चेकआउट कर सकते हैं। कैंग के टाइम ट्रेवलिंग कुर्सी से तो मुझे अर्थ माइटिएस्ट हीरोज का वो एपिसोड याद आता है जहां टोनी ने उसके चेयर को हैक कर लिया था, क्योंकि उसको बनाने में स्टार्क इंडस्ट्रीज के कुछ बेस एलिमेंट्स को यूज किया गया था, जिससे हम देख सकते हैं कि क्यों टोनी स्टार्क हमें सीक्रेट वॉर्स में वापस आते हुए देख सकते हैं। और इसीलिए अभी रूमर्स भी ऐसे चल रहे थे कि टोनी स्टार्क वापस आ सकता है, मतलब कि आरडीजे एज आयरन मैन हमें शायद तक वापस से देखे। अब इससे पहले कोई मुझे ये बोले कि मैं हमेशा आयरन मैन को रिटर्न करवाने में लगा रहता हूं, तो भाई मेरे को ये बताओ कि मूवी में मोडोक जैसे विलन के होते हुए आयरन मैन के सूट जैसे दिखने वाले कैरेक्टर का पोस्टर यहां पे क्यों फीचर किया गया है, जबकि इस कैरेक्टर का नाम अभी तक किसी को पता भी नहीं। आपका तो नहीं पता, बट ये मुझे आयरन मैन के सूट के जैसा लगता है। एनीवेज आयरन मैन कैसे रिटर्न होगा उस पर अगर आपको वीडियो देखना है तो आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, एंड अगर आपको एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटमेनिया के ट्रेलर के ब्रेकडाउन देखने हैं तो लेफ्ट वाली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। एंड हां, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू मिस दिस अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून।